ముని ఆయసు పాయి తుర్తహి పంచు బటినియ జాయి తుర్తహి పంచు బటినియ జాయి चले राम मुनि आज सुपाई तुरतहि पंचु बटिनिय जाहि तुरतहि पंचु बटिनिय जाहि। अब जब भगवान पंचवटी में पहुंचे, अपना निवास स्थान बनाया, एक बार भगवान श्री राम पंचवटी में बैठे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो नई कहानी शुरू होती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार रघुनाथ जी पंचवटी में बैठे हैं, ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, तभी सूपनखा आती है भ्रमण करने के लिए। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना। हे मेरे महाप्रभु, मैं आज आपको अपना निज प्रभु जानकर के आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपना प्रभु मानकर के आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हे दीनानाथ, सुर नर नर सचराचर साई, और मैं पूछा निज प्रभु की नाई। इस संसार के स्वर जीव चराचर के स्वामी आप, मैं कुछ से आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझे समझाएं, मुहे समझाए कहे सोई देवा, सब तज करो चरण रस सेवा। आप मुझे समझाएं कि ये वैराग्य क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये मोह क्या है, ये माया क्या है। जहां तक व्यक्ति का जीवन में जहां तक मन जाता है वहां तक मोह माया है, और ये अपना है, ये पराया है, ये सभी लोग कहा करते हैं। तो कहूं ज्ञान वैराग्य और माया, कहूं सो भगत करूं चाहे दाया। ये ज्ञान ये वैराग्य ये है क्या, आप मुझे समझाएं, और समझा करके आप मुझे भली प्रकार से बताएं। प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। देखिए ज्ञानी लोग बैठे हैं, अगर सोने को सोने से अलग किया जाएगा तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा, चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी। उसी प्रकार से अगर सोने का अंश सोना है, चांदी का अंश चांदी है, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही होना चाहिए। हम आप सब लोग ईश्वर के अंश तो हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव हो गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका कारण है माया। अब ये माया क्या है, यही लक्ष्मण भैया ने राम जी से पूछा। आइए हम आप सब लोग ध्यान देकर के सुनेंगे, जो लक्ष्मण जी ने पूछा है उसको भगवान थोड़े में बता रहे हैं। थोड़े में सब, थोड़े मैं सब कहां वो बुझाई मेरे लाल सुनो, मेरे लाल सुनो। को
को गोचर चाहे लग मन जाई मेरे लाल सुनो। गो को चरे चाहे लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई मेरे लाल सुनो। एक दोस्तों अति सैदो के रूपा मेरे लाल सुनो। और तेरा मैं और मेरा जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है, जो इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक भी मन जाता है यह सब माया है। यह तेरा है और ये मेरा है, यही तो माया है लाल। तू और तेरा मैं और मेरा यही माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है, है ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। माया ज्ञान तब भकूप पड़ा जग में इंसान। एक झोलती एक तोलती एक मार्ग दे एक मोलती। एक झोलती है दोनों में अंतर नहीं, है दोनों में अंतर नहीं पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है।
बस जीवन काया है, माया है ये माया है, माया है ये माया है, माया है ये माया। यही बीत गए कछुक दिन बीती, भगवान को कुछ दिन ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की भगनी सूपनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। यद्यपि कहने को तो महाराज रावण की भगनी है, महाराज रावण ने सूपनखा के पति को मार डाला था और तभी से उसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। समय की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो समय आ गया। जिस समय सूपनखा पंचवटी में पहुंची, उसने देखा कि सब कुछ बदल गया। यद्यपि ये पंचवटी कोई वन नहीं, ये राजा दंड की नगरी थी, लेकिन उग्र श्राप होने के कारण ये पूरी वीरान हो गई और तभी से इसका नाम पंचवटी हो गया। भ्रमण करती हुई पहुंची और उसने राम जी लक्ष्मण जी को देखा। सूपनखा रावण के बहनी, तुसे हृदय दारुण जस एहनी, पंचवटी सो कई एक पारा, पंचवटी सो कई एक पारा, देव कल भई चुपन कुमारा। और देखिए, ये भी एक अद्वितीय कलाकार हैं, श्री राजू कक्कड़ जी। ये भी हास्य कलाकार ही हैं, हमारे सुरेश कक्कड़ जी के बड़े भाई। ये संयोग है, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। एक का तो भरोसा नहीं रहता है कहाँ पहुँचे कहाँ ना पहुँचे, लेकिन चूंकि जवानदार व्यक्ति हैं तो श्री राजू कक्कड़ जी जो सुंदर अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं सूपनखा जी के, आइए देखें। हेलो बैचे, हमारे पे भरोसा तो है पूरा पूरा। हाय तैया, मेरी जवानी भड़बड़ा रही है अध्यक्ष जी। ऐसा लागत है कि गुड़ खाए के मर जाओ। हाय तैया, मैं लंकापति रावण की बहन हूँ सूपनखा। मैं चारों ओर घूम घूम के देख आई हूँ, लेकिन मेरे योग कोई बर नहीं मिला। मैं अमिलिया भी गई सोनू के यहाँ, श्याम साउंड वाले के यहाँ, लेकिन जब मैंने सोनू को देखा तो ये दुबला पतला था। मैंने कहा पर का मेरा ये सभी काम नहीं चलेगा, ये मेरा दूल्हा बनने लायक नहीं है। तो मैं घूमते घूमते हाय दैया यहाँ आ गई हूँ पंचवटी में। ओय हाय हाय हाय, मैं क्या देख रही हूँ। ओय हाय हाय हाय, ये तो पंचवटी हरी भरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे योग कोई बर आ गया है। पंचवटी का जो बन था, डंडक बन था, वो सूखा था। लेकिन सूखा क्यों था ब्यास जी? क्योंकि रमण ऋषि ने उसको जो वहां डंडक बन के, जो डंडक नाम के राजा राज किया करते थे, तो राजा रमण ऋषि के साथ रमण किया था। राजा दंड की नगरी थी जी, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था राजा दंड को कि जाओ तुम्हारा राज भस्म हो जाए। तब से आज तक, तब राजा दंड ने उनसे प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी ये सूखी जो नगरी है ये हरी भरी कब होगी। तो उन्होंने कहा था जाओ जब त्रेता योग आएगा तब तुम्हारी नगरी हरी भरी होगी। तो आज मुझे लगता है कि जिस पुरुष की मुझे खोज थी वो पुरुष मिल गया। हाय दैया,
मैं ढूंढते ढूंढते चारों ओर घूमते घूमते थक गई हूँ। मैं इतनी गोरी थी कि क्या बताऊं। अरे गोरे से काले पड़ गई ला हरियाले वही गोरे से प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर बुंदेली लोक दर्शन। हमारे श्री लक्ष्मी भैया आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं और सिंगर कौशल्यापाल आप भी यूट्यूबर हैं आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। मैं बहुत सुंदर थी लेकिन बरके उसमें लेकिन मैं कितनी खूबसूरत हूँ बताएं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे बुआ थोड़ा सा कम से कम मुख तो दिखाओ। हाँ व्याजी अवश्य दिखाऊंगी। हाय दया मर जाऊं गुड़ खा के। हर मोरे जैसी मुइया और मोरे जैसी मुइया के पूरे गांव भरे।